हेलो बच्चों, मैं कर्मवीर आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। हम एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स में एक्सरसाइज 8.1 कर रहे थे, ठीक है। उसके 14 क्वेश्चन हम कर चुके थे। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 15 के दो पार्ट कराऊंगा, ठीक है, जिसमें देखिए पहला पार्ट इस प्रकार है, 15 का पार्ट नंबर फर्स्ट, ठीक है, दो पार्ट करेंगे हम। तो यहाँ पर क्या है, ए मैन 180 सेंटीमीटर टाल वॉक्स एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड अवे फ्रॉम ए सोर्स ऑफ लाइट That is 9 meter above the ground. How fast is the length of his shadow? Length of his shadow is increasing when he is 3 meter away from the base of light source. ठीक है, base of light source. Clear? तो यहाँ से आपको देखिए इसके solution पे आते हैं। तो यहाँ से हमें बताना है कि उसकी shadow किस हिसाब से increase होगी। तो देखिए एक बार figure बना लेते हैं, उसके बाद आपको समझाना start करते हैं। Figure से आप अच्छे से समझ पाएंगे। ये ground है, ये 9 मीटर अबाउ द ग्राउंड, 9 मीटर से ऊपर ये लाइट सोर्स है यहाँ पर, ठीक है, ये पोल है, इसके ऊपर लाइट सोर्स लगा हुआ है। और यहाँ पर एक आदमी है जो 180 सेंटीमीटर का है। कितने सेंटीमीटर का है? 180 सेंटीमीटर। 180 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो क्या आएगा, 1.8 मीटर टाल, ठीक है। अब ये लाइट सोर्स से लाइट यहाँ इस आदमी पे गिरेगी तो आगे की तरफ शैडो बनेगी। ये लिखा हुआ है 180 सेंटीमीटर, ठीक है। जो ये शैडो बन रही है, शैडो, ठीक है, ये किस रेट से इंक्रीज हो रही है ये बताना है हमने। तो देखिए ये आपकी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है, इनको नाम दे देता हूँ वर्टिसेस ए बी सी डी ई, कोई भी ऐसी इस प्रकार से मैंने रनिंग में नाम दे दिए इनको, क्लियर। तो यहाँ से देखिएगा, लेट ए ई डिनोट, ए ई डिनोट ए सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। आगे देखिएगा, डी बी डिनोट हाइट ऑफ मैन, ठीक है, सच दैट, यहां से ए कितना है अपना, ए 9 मीटर, और वहां से बी डी कितना है, बी डी या डी बी बात एक ही है, बी डी कितना है 1.8 मीटर, ठीक है। अब देखिए यहां से मैं ये डिस्टेंस एक्स मान लेते, ये 1.8 मीटर टाल जो पर्सन है ये आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है, उस तरफ मूव कर रहा है। तो ये जो है शैडो, लाइट यहाँ गिरेगी तो शैडो आगे की तरफ बनेगी, शैडो किस हिसाब से इंक्रीज हो रही है, ठीक है, ये बताना है। तो ये मैं मान लेता हूँ वाई, ठीक है। तो यहाँ से कह देंगे, लेट ए बी कितना है, एक्स मीटर, ये इस आदमी की डिस्टेंस, इस पर्सन की डिस्टेंस है लाइट सोर्स से, ठीक है, लाइट सोर्स का जो पोल है उससे डिस्टेंस है। एंड बी सी इक्वल टू वाई मीटर, ठीक है, ये क्या है, लेंथ ऑफ शैडो है, क्या है, लेंथ ऑफ शैडो, शैडो ऑफ मैन, उस आदमी की शैडो की लेंथ है, ठीक है। तो यहां से देखिएगा, गिवन क्या दिया हुआ है आपको, गिवन दैट, क्या क्या गिवन, देखना, 180 सेंटीमीटर टाल वॉक्स एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, ये ऐसे आगे की तरफ चल रहा है तो इसकी ये जो डिस्टेंस है वो चेंज हो रही है, एक्सचेंज हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है तो मतलब कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, एक्सचेंज हो रहा है डी एक्स बाई डी टी, किस रेट से, 2 मीटर पर सेकेंड, नंबर फर्स्ट एक्सचेंज हो गया। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, वाई में चेंज बताना है, टू फाइंड डी वाई बाई डी टी, और चेंज कब बताना है, व्हेन ये आदमी इस पोल से, जो लाइट सोर्स है इस पोल के बेस से कितनी दूरी पर हो, 3 मीटर की दूरी पर हो, कितनी दूरी पर हो, 3 मीटर की, व्हेन एक्स बराबर 3 हो, ठीक है, ये हमने फाइंड आउट करके बताना है। तो देखिए यहां से नाउ मुझे दो ट्रायंगल नजर आ रही है, देखिए यहां से कौन कौन सी दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ए सी और ई, और दूसरी ट्रायंगल क्या है आपको नजर आ रही हो तो बी सी डी, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। तो ध्यान से देखिएगा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, किस प्रकार, देखिए ट्रायंगल ए सी ई सिमिलर ट्रायंगल बी सी डी, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है एंगल एंगल क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। तो सिमिलर ट्रायंगल की खास बात क्या होती है, इनकी क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स का रेशो क्या रहता है, सेम रहता है। तो क्रॉसपॉन्डिंग साइड का रेशो देखो, क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स BD अपॉन AE, 10th क्लास का कंसेप्ट है बच्चों ये, ठीक है। तो यहां से देखिएगा, BC अपॉन AC, तो बच्चे यहां से आपको BD क्या नजर आ रहा है, 1.8 हाइट ऑफ मैन है, AE कितना है बेटा, 9, क्लियर, BC कितना है बेटा, BC लेंथ ऑफ शैडो y, और ये देखिए AC क्या बन रहा है आपका, AC क्या बन रहा है, AB
प्लस बी सी, तो ये बन रहा है एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, एक्स प्लस वाई। आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसको कट करना 9 को, इसको कट करेंगे 9 से तो कितना आएगा 0.2, तो यहाँ से कितना है 0.2, क्या लिखोगे 2 अपॉन 10 वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पर क्या करेंगे, बाई क्रॉस मल्टीप्लाइंग, बाई क्रॉस मल्टीप्लाइंग, बाई क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी गेट क्या मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करें, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करना 2x प्लस 2y, तो बच्चे यहाँ से कितना आएगा 10y, तो यहाँ से कितना आया 2x इक्वल टू 10 माइनस 10y माइनस 2y, तो यहाँ से बच्चों कितना आ गया 2x इक्वल टू 8y। यहाँ से डिफ्रेंशिएट करिएगा, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू टाइम टी वी गेट, तो क्या आएगा डी बाई डी टी 2x डी बाई डी टी 8y। तो बच्चे यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा dx बाई डी टी, और यहाँ से 8 बाहर आ जाएगा y का dy बाई डी टी, ठीक है। अपने पास ना इसकी वैल्यू है dx बाई डी टी की, गिवन है इक्वेशन फर्स्ट में, तो देखिए यहाँ से अपने को मिला है 2dx बाई डी टी 8dy बाई डी टी, तो यहाँ से 2 मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू दे रखी है 2 8dy बाई डी टी, तो यूजिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो ये कितना आएगा 4 अपॉन 8 dy बाई डी टी, तो इसको कट करोगे तो कितना आएगा dy बाई डी टी 1 बाई 2, तो ये कितना आएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड। देखिए when x इक्वल टू 3 देन dy बाई डी टी, बेटे इसमें x तो बचा ही नहीं है, तो यहाँ कितना आएगा 0.5 ही रहेगा, 0.5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ x बचता तो x की वैल्यू लगा देते, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया है इसका, ठीक है। ये शैडो किस रेट से चेंज हो रही है, जब वो आदमी 3 मीटर की दूरी पर हो, ठीक है, लाइट सोर्स से, क्लियर। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए अब करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन करते हैं 15th का पार्ट नंबर 2। ए मैन 1.6 मीटर टाल वॉक्स एट द रेट ऑफ 0.3 मीटर पर सेकेंड अवे फ्रॉम द स्ट्रीट लाइट दैट इज 4 मीटर अबव द ग्राउंड, एट वट रेट इज द टिप ऑफ शैडो मूविंग, ठीक है जी, टिप ऑफ शैडो किस रेट से मूव कर रही है बताना है। फिर आगे क्या बताना है, एट वट रेट इज द इज हिज शैडो लेंथिंग, ठीक है, किसकी शैडो 1.6 मीटर टाल जो मैन है उसकी शैडो किस रेट से इंक्रीज हो रही है ये बताना है। तो देखिए ध्यान से, ये पोल है, ये क्या है पोल जो कि कितना दे रखा है 4 मीटर अबव द ग्राउंड, ये ग्राउंड है, ठीक है। यहाँ 1.6 मीटर टाल बॉय खड़ा हुआ है, 1.6 मीटर टाल बॉय खड़ा हुआ है, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ लाइट सोर्स है, यहाँ लाइट गिरेगी तो शैडो आगे की तरफ बनेगी, ये शैडो है, ठीक है जी। मैं इसको मिलान कर देता हूँ तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल का शेप ले लेगी, तो ये क्या है ए बी सी, इनको नाम दे दिया मैंने डी ई, ठीक है। अब देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, लेट ए सी डिनोट डिनोट द स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट लाइट, ठीक है, कोमा यहां से डी ई डिनोट द लेंथ ऑफ मैन, या फिर क्या कहते हाइट ऑफ मैन, हाइट ऑफ मैन, ठीक है। दैट इज क्या हो जाएगा सच दैट, क्या ए सी तो क्या है 4 मीटर एंड डी कितना है 1.6 मीटर, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए मैं ये डिस्टेंस क्या मान लेता हूँ एक्स, और ये शैडो कितनी मान लेता हूँ, इस डी की जो शैडो है वो वाई मीटर मान लेता हूँ, ये एक्स मीटर है और ये वाई मीटर है, ठीक है, ये मैंने मान लिए। तो देखिए लेट एंड लेट ए डी जो डिस्टेंस है वो मैंने क्या मान ली एक्स, एंड डी बी क्या है शैडो ऑफ मैन कितनी मान ली मैंने वाई मीटर मान लिए, ठीक है। अब देखिए हमें गिवन क्या दे रखा है, गिवन दैट क्या गिवन है, ए मैन 1.6 मीटर टाल वॉक्स एट ए एट द रेट ऑफ 0.3 मीटर पर सेकेंड। देखिए ये पर्सन उस तरफ जा रहा है,
ठीक है, बी पॉइंट की तरफ जा रहा है, तो ये डिस्टेंस इसने एक्स तय करी है, तो इसकी डिस्टेंस में चेंज आ रहा है, मतलब एक्स जैसे जैसे आगे जाता जाएगा ये डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, मतलब ये इंक्रीज होती जाएगी, इस एक्स में चेंज होता जाएगा, ठीक है। तो वो चेंज कितना दे रखा है, डी एक्स बाई डी टी कितना दे रखा है, 0.3 मीटर पर सेकेंड, नंबर एक, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। अब देखिए फाइंड क्या क्या करना है, टू फाइंड ठीक है, दो बातें फाइंड आउट करनी है इसमें। देखिए सबसे पहले तो क्या पूछ रहा है, एट व्हाट रेट इज द टिप ऑफ शैडो मूविंग, टिप ऑफ शैडो देखिए यहां जो है लाइट सोर्स से लाइट गिर रही है, तो यहां पर शैडो बन रही है, तो टिप ऑफ शैडो ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ये टिप ऑफ शैडो बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा तो एक्स भी चेंज होता जाएगा और वाई भी चेंज होता जाएगा, तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो इसके अंदर चेंज कितना बताना है हमने, एक तो ये बताना है डी एक्स बाई डी टी प्लस डी वाई बाई डी टी, ठीक है, ये तो बताना है फर्स्ट पार्ट में। और सेकंड पार्ट में क्या बताना है, देखिए सेकंड पार्ट में उसने पूछा है एट व्हाट रेट इज हिज शैडो लेंथिंग, ठीक है, शैडो किस हिसाब से चेंज होगी, तो दूसरे पार्ट में बताना है डी वाई बाई डी टी। सीक्वेंसिंग गलत कर दी इसने क्वेश्चन पूछते हुए, तो पहले तो हमें सबसे पहले तो यही मिलेगी, ठीक है, सबसे पहले यही मिलेगी, तो मैं ये पार्ट नंबर फर्स्ट निकाल पाऊंगा। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, देखिए यहां से आपको साफ साफ नजर आ रहा होगा दो ट्राइंगल है ए बी सी, और एक ट्राइंगल कौन सी है आपकी, डी बी ई, ये दो ट्राइंगल है, और दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर, क्लियरली ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल डी बी ई, ठीक है, ये दो ट्राइंगल सिमिलर है, तो सिमिलर ट्राइंगल में क्या होता है, क्रॉसपोंडिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है, सेम, क्रॉसपोंडिंग साइड्स कौन कौन सी है, ये क्रॉसपोंडिंग साइड्स हैं। तो देखिए यहां से क्या मिलेगा, दिस इंप्लाइज डी ई अपॉन ए सी, क्रॉसपोंडिंग साइड, ये दोनों इस ट्राइंगल की ये क्रॉसपोंडिंग साइड्स हैं, ठीक है, तो डी बी अपॉन क्या आ जाएगा, ए बी, डी बी अपॉन क्या आ जाएगा बच्चे, ए बी आ जाएगा। तो यहां से देखना डी कितना है बच्चे, डी कितना दे रखा है, 1.6, ठीक है, एसी कितना है 4, और यहां से ये कितना है वाई, डी बी कितना है वाई, और ए बी कितना हो जाएगा एक्स प्लस वाई, साफ साफ दिख रहा है ए से लेकर बी तक की दूरी, ए डी प्लस डी बी, ठीक है, तो आप देख सकते हो ना ए बी क्या है, ए डी प्लस डी बी क्या है, एक्स प्लस वाई, तो ए बी की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस वाई। तो आप इसको देखिए कट करिएगा, कट करोगे तो यहां कितने पर काटेगा, 0.4 पर, तो यहां से कितना आया, 0.4 को क्या लिख दूंगा, 4/10 y अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब यहां से देखिएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी गेट, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा, ये इसे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 4x प्लस 4y इक्वल टू 10 को y से करेंगे तो क्या आएगा, 10y। तो यहां से देखिएगा 4x इक्वल टू 10y माइनस 4y, तो यहां से कितना आ जाएगा, 4x यहां से कितना आ जाएगा, 4x इक्वल टू 10y माइनस 4y, तो यहां से कितना आया, 4x इक्वल टू 6y, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी वी गेट, देखिए क्या मिलेगा, डी बाई डी टी 4x का, डी बाई डी टी 6y का, तो यहां से कितना आ गया, 4dx बाई डी टी, यहां से 6 कॉन्स्टेंट बाहर आएगा, डी वाई बाई डी टी, ठीक है। तो यहां देखिएगा डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू अपने को दे रखी है कितनी, 0.3, 4 मल्टीप्लाई में 0.3 इज इक्वल टू 6dy/dt, ये वैल्यू हमें दे रखी है, ठीक है, ये वैल्यू। तो यहां से देखिएगा क्या आ जाएगा, यहां से देखिए क्या आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 0.3 को क्या लिख देंगे, 3/10, क्लियर, ये 6 नीचे आ जाएगा, 1/6 ये क्या आएगी, dy/dt की वैल्यू आ जाएगी, इसको कट करो 2, ठीक है भाई, 2 पे कट करेगा, ठीक है 2 पे कट करेगा, और ये 2 पे कट करेगा, 2 2 4, और ये कितने पे कट करेगा, 5 पे। तो बच्चे यहां से जो वैल्यू बची है dy/dt जो वैल्यू बची है कितनी बची है, 1/5, इट मीन्स ये कितना बचा है, 0.2,
ठीक है, मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से dy by dt कितना आ गया है, dy by dt कितना आ गया है, 0.2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट है, विच इज पार्ट सेकंड, ये आपका क्या है, पार्ट सेकंड। क्लियर, पार्ट सेकंड आपको मिल गया है। पार्ट सेकंड में क्या पूछा गया है, dy by dt की वैल्यू। अब करेंगे पार्ट फर्स्ट, पार्ट फर्स्ट में क्या पूछा गया है, एट वट रेट इज द टिप ऑफ शैडो मूविंग। ठीक है, अब लिखेंगे द रेट एट विच द टिप ऑफ शैडो मूविंग। ठीक है, तो यहां से कितना आ जाएगा, डी एक्स बाई डी टी प्लस डी वाई बाई डी टी। ठीक है, तो यहां से डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू कितनी आ रही है, 0.3 तो गिवन ही है, प्लस डी वाई बाई डी टी कितनी आई है, 0.2, तो यहां से कितना आया, 0.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, विच इज पार्ट फर्स्ट आपका ये आ गया है, पार्ट सबसे पहले हमारा आया पार्ट सेकेंड। ठीक है, रेट एट विच शैडो लेंथिंग में शैडो किस हिसाब से चेंज हो रही है, और दूसरा पार्ट था एट व्हाट रेट टिप ऑफ शैडो मूविंग। जैसे जैसे टिप आगे बढ़ेगी वैसे वैसे एक्स भी तो चेंज होगा। ठीक है, तो एक्स में चेंज और उसके साथ साथ वाई में चेंज। ठीक है, एक्स का चेंज डी एक्स बाई डी टी प्लस वाई में चेंज डी वाई बाई डी टी। तो ये आपका पार्ट नंबर फर्स्ट हो गया, सबसे पहले हमें पार्ट नंबर सेकंड मिला। ठीक है, उसके बाद पार्ट नंबर फर्स्ट मिला। आई थिंक आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। टिल देन, बाय बाय।